दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड के रेडियो आंदोलन के तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी साथी जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लगातार सक्रिय हैं और एक बहुत ही जुझारू पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं, आप सब के जज्बे को, आप सबके हुनर को और आप सबकी ताकत को मेरा सलाम है। मंदारकिनी की आवाज़ रेडियो खुशी, हिमगिरी की आवाज़ जी यूनिवर्सिटी रेडियो जिंदगी, ग्राफिकेरा का कुमाऊं वाणी, मुक्तेश्वर का कुमाऊं वाणी और हेलो हल्द्वानी जैसे तमाम जो चैनल हैं और इन चैनलों में जो साथी रेडियो का काम कर रहे हैं और बहुत ही स्थानीय स्तर पर हमारी संस्कृति, हमारे सवाल, हमारे जन सरोकारों को उठा रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत आभार भी है। साथियों, यह कोरोना काल है, पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही है, तमाम तरह की नई संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है, इस संकट से निपटने के रास्ते खोजे जा रहे हैं, लोगों पर तमाम तरह के दबाव हैं और कई समाज के कई हिस्सों को, कई तबकों को बड़े तनाव से और बड़े संकट से गुजरना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मजदूर और कामगार तबका है वह पिछले लगभग दो महीनों के आसपास से अपने जीवन के सबसे कठिनतम समय में गुजर रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया का संचार, दुनिया का यातायात, दुनिया के तमाम जो संस्थान और तमाम जो संस्थाएं मानव जाति ने पिछले 300 वर्ष में खड़ी की, उन वो बहुत ही गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हैं। और इसी समय और इसके साथ साथ पूरे दुनिया के और ख़ासकर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के तमाम हलकों में, वो चाहे बौद्धिक तबका हो, चाहे एनजीओज़ के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे पत्रकारिता के लोग हों या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले विचारक हों, सब लोग उत्तराखंड के आने वाले दिनों को लेकर के, पहाड़ में होने वाले परिवर्तनों और बदलावों को लेकर के भी बहुत तरह के कयास लगा रहे हैं। और मैंने अपने हेलो हल्द्वानी के पिछले संस्करण में इस बात को थोड़ा सा इसका खुलासा किया था। अभी मैं एक और नई बात की तरफ आपका इशारा करने वाला हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना काल है और कई और नामों से भी इसको नवाज रहे हैं। मैं इसको आत्मावलोकन के पर्व के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि पिछले 40-50 दिनों में मानव जाति ने, हमारे समाज ने और ख़ासकर हिंदुस्तान के लोगों ने और हम सब लोगों ने तमाम वो चीज़ें की जिनकी हम अभ्यस्त नहीं थे, तमाम उन चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं किया जिनके हम बुरी तरीके से अभ्यस्त थे। इन 40 दिनों में हमने अनावश्यक रूप से अपनी गाड़ियों से इधर उधर जाना छोड़ दिया, हमने अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी बंद कर दी, हमने केवल बहुत ही ज़रूरी जो लगने वाले काम हैं उनको किया। इन 40-50 दिनों को हमने अपने परिवार के साथ बिताया, अपने घर के साथ बिताया, अपने बच्चों के साथ बिताया। हम में से बहुतों ने बहुत पुराने तरीके के अपने बचपन के खेलों को फिर से पुनर्जीवित किया, कई लोगों ने अपने पुरानी कहानियों को, किस्सों को पुनर्जीवित किया। हम सब लोग अपने खेतों में, अपने घर में, अपने किचन में दिखाई दिए, हमने जिस तरह की पोस्ट, जिस तरह के चित्र, जिस तरह के वीडियो साझा किए, हम सब अपने काम करते हुए अपने आसपास लोगों को दिखाई दिए और हमने वो काम किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हमने अनावश्यक तौर से बाजारों में जाना बंद किया और हमने देखा कि जिंदगी चल रही है, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। हम में से बहुत सारे लोगों ने जो गाँव में रह रहे हैं, जो घरों में रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर से दबाव में नहीं है, उन सब ने एक आराम और सहजतापूर्ण जिंदगी का आनंद उठाया। ये जरूर है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से ने बहुत गंभीर तनाव को झेला है, जो सड़कों में रहने वाले बेसहारा लोग हैं, जो घरों से, जिनके घर नहीं हैं, जिनको होमलेस कहते हैं, अर्बन पुअर्स हैं, भीख मांग करके और अपना जीवन चलाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी से अपना जीवन चलाने वाले लोग हैं, रोज कमा करके रोज खाने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को बहुत गंभीर संकट के दौर से गुजरना पड़ा। और दुनिया का दूसरा जो हिस्सा है, बहुत जो कॉरपोरेट जगत है, उसको भी बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा।
और ये हमारी 300 वर्षों की जो दुनिया हम लोगों ने बनाई है उसके दो एक्सट्रीम छोर हैं, उसके दो बहुत ही अलग अलग बिंदु हैं। एक तरफ हमारी पूरी दुनिया का कॉरपोरेट जगत है जो पूरी दुनिया के आधुनिक अर्थशास्त्र को, आधुनिक बाजार को, आधुनिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। दूसरी तरफ पूंजीवाद की पीड़ा को सह रहा एक बड़ा तबका है जो समाज का और दुनिया का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ मनुष्य है। इन दोनों ने इस संकट को महसूस किया है और उसके कारण जो हम लोगों ने जो नई संभावनाएं हैं उन पर विचार करना शुरू किया है। और मैं बहुत अति उत्साही तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो दुनिया हमने 300 वर्षों में बनाई है वो 3 महीने में नहीं बदलने वाली है, वो 3 साल में भी नहीं बदलने वाली है, वो हो सकता है 30 साल में भी ना बदले। लेकिन मुझे लगता है कि इसके कारण, इस आपदा के कारण, इस कोरोना के संकट के कारण हमको फिर से अपनी 300 साल पुरानी अपनी दुनिया को नए तरीके से बनाने के बारे में विचार करने का समय मिलेगा और उसका सूत्र भी मिलेगा। हम हमारी धरती कैसी हो, हमारी प्रकृति कैसी हो, हमारे उत्पादन के तरीके कैसे हों, हमारे वितरण के तरीके कैसे हों, हमारे व्यापार के तरीके कैसे हों, हमारे मनोरंजन के तरीके कैसे हों, हमारे परिवारों के आपस के संबंध कैसे हों, हमारे गांवों में रहने वाले परिवारों के संबंध कैसे हों, एक गांव का दूसरे गांव से कैसा रिश्ता हो, गांव का जो गांवों के जो समूह हों उनके दूसरे समूहों के साथ कैसे रिश्ते हों, इन तमाम संबंधों को भी पड़ताल करने का समय है और इन सारे संबंधों के बारे में विचार करने का समय है। और अभी जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, पूरे उत्तराखंड भर में ही नहीं बल्कि पूरी देश में और पूरी दुनिया में प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव और अपने घर जाना चाहते हैं। वो लोग अपने अपने घरों को लौटेंगे, चूंकि जिन लोगों को रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा था, वो लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। तो वो वापस अपने घर जाके क्या करेंगे? क्या हमारे गांव में रह रहे लोग, हमारे शहरों में, कस्बों में रह रहे लोग, हम उन लोगों को स्वीकार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए एक उनकी सहायता करेंगे वहाँ खड़े रहने में? क्या हमारी सरकारें इस तरीके का बंदोबस्त कर पाएंगी? क्या हमारा बाजार, हमारा आर्थिक ढांचा इस तरीके का इस तरीके के इंतजाम कर पाएगा, इस तरह के बंदोबस्त कर पाएगा कि जो वापस जा करके अपनी जगहों पर छोटा कारोबार करके स्वावलंबी होना चाहता है उसके लिए कुछ रास्ता निकलेगा क्या? एक ही बड़ा प्रश्न है। और क्या हम लोग इतने उदार बन पाएंगे कि जो लोग लाखों की संख्या में अपनी जगहों से अपने कारोबार छोड़ करके घरों को, गांवों को आएंगे, क्या हम उनका खुले मन से स्वागत कर पाएंगे? क्योंकि जैसा जब सरकार ने ये तय किया कि उसको प्रदेश के जो लोग बाहर हैं उनको वापस बुलाना है, तो लगभग 24 घंटे में 1.25 लाख उत्तराखंडियों ने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन कि हम वापस आना चाहते हैं। और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि भाई हम केवल क्वारंटीन में रखे हुए लोगों को वापस लेके आएंगे। मजदूरों के जो मजदूरी पर लगे हुए हैं, जो निर्माण के काम में लगे हुए हैं, उनका स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा से इधर उधर जाने को भी सरकार नियंत्रित करना चाहती है। तो ये एक बड़ी घटना है, ये एक बड़ी तब्दीली होने वाली है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जो लोग गांव में हैं, जो दूर दराज के गांव में हैं, जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ जिनका संपर्क सरकार के साथ नहीं है, जिनके बच्चे बाहर फंसे हैं, उन लोगों की कुशलता नहीं मिल रही है, उन लोगों को सरकार के साथ संवाद नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार बदलते नियमों के साथ अपने आप को समन्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सेस देने के लिए, ऐसे लोगों को रास्ता सुझाने के लिए, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कम्युनिटी रेडियो क्या रोल अदा कर सकता है? और उसके अलावा जहां अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे 10, 20, 50 तरह के प्रयोगों को तो मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे जो पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं, स्वावलंबी नौजवान हमारे प्रदेश के अपने अपनी जगह कर रहे हैं, उन सबको कैसे कम्युनिटी रेडियो में स्थान मिले? कैसे कम्युनिटी रेडियो, ये जो हमारे 9-10 कम्युनिटी रेडियो सेंटर हैं जो हमारे पीपीसी के मेंबर हैं, पी पावर पीपल्स पावर कलेक्टिव के जो मेंबर हैं, वो लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं? और खासकर सरिता थॉमस जैसे जो हमारे कम्युनिटी रेडियो के साथी हैं,
उनकी इसमें कैसे भूमिका हो सकती है कि और सभी तरह के कम्युनिटी रेडियोज आपस में अपने आइडियाज, अपने विचार और अपनी अपने जो कार्यक्रम है उनका कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके आदान प्रदान करें और वह पूरे प्रदेश में जाए, और ऐसे उदाहरणों को, ऐसे प्रयोगों को और ऐसे नए इनोवेटिव आइडियाज़ को हम खोज करके लाएं और उनको एक दूसरे के साथ साझा करें। इसकी हम लोग कोई शुरुआत करें, इसके लिए कोई नया रास्ता खोजें। और इसमें जो हमारे पढ़े लिखे प्रवासी बुद्धिमान लोग जो पूरे देश और दुनिया में फैले हैं, उन सबकी भी मदद ली जानी चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस बात को लेकर के चिंतित हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्यक्तिगत फोन के माध्यम से लगातार एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार नया कुछ करने की संभावना है क्या, नया कुछ किया जा सकता है क्या, कोई नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं क्या। हम तो बाजार के गुलाम हो गए हैं, हम तो एक इंडस्ट्री में एक केवल मोहरा बन के रह गए हैं। 40-50 साल की जिंदगी केवल इंडस्ट्री की सेवा करने में निकल जा रही है। जिन जीवन में रोचकता, जीवन में रचनात्मकता, जीवन में उमंग, इसका अभाव हो गया है। तो इसके लिए कुछ रास्ते तलाशे जा सकते हैं क्या? कुछ लोगों को खेती में, कुछ लोगों को व्यापार में, कुछ लोगों को उद्योग में, कुछ लोगों को ज्ञान में, कुछ लोगों को सेवा के क्षेत्र में, तमाम जगह काम करने के अवसर पैदा किए जा सकते हैं क्या? ये हम सब लोगों की एक साझी जिम्मेदारी है, और ये साझी जिम्मेदारी को हम आपस में कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए मैं कम्युनिटी रेडियो को बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में मानता हूँ और उनके आपस के संवाद को उससे भी महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से और आपके माध्यम से अपने पूरे प्रदेश की जनता से मेरा ये निवेदन है, ये आग्रह है कि हम लोग अब जबकि कोरोना एक का जो संकट है वो एक नए दौर में है, हम लॉकडाउन खुलने की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान और जहान दोनों की चिंता करनी है। हमने 40 दिन जान की चिंता की, अब हम जान और जहान दोनों की चिंता करें और हम सब लोग मिलकर के जहान के लिए नए रास्ते निकालें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में वो काबिलियत है, उत्तराखंड के समाज में, ग्राम समाज में, हमारी महिलाओं में, हमारे युवाओं में, हमारे बौद्धिक तबके में वो ताकत है, हमारे आंदोलन समूह में भी वो ताकत है और वो बौद्धिक क्षमता है कि हम पूरे हिंदुस्तान का को नया रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे छोटे छोटे गांव जो पूरी तरह से स्वावलंबी हैं, जो खेती पर, पशुपालन पर, हमारे जंगलों पर, हमारी नदियों पर, हमारे गाड़ों पर, हमारे गधेरों पर, जो उनकी स्वावलंब उनका जो उनका उनकी जो निर्भरता है और उनको जो उन्होंने सैकड़ों साल से जूं का त्यों रखा है, वो एक नया इकोनॉमिक ढांचा, एक नया इकोनॉमिक मॉडल पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए हो सकता है और हमें इसको पहुंचाना चाहिए, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इस बात को व्यापक तौर पर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कैसे हमारे जनपद में, मतलब मुझे लगता है कि देश के सबसे कम प्रभावित जनपदों राज्यों में अगर कोई है तो उत्तराखंड है। हमारे यहाँ कोरोना से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। इसका अगर जहाँ श्रेय एक तरफ, जहाँ हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासनिक ढांचे को और हमारे उस स्वास्थ्य विभाग को, यहाँ तमाम अमलों, सरकारी अमलों को जाता है जिन्होंने कड़ाई से सरकारी कानूनों का पालन किया, या जनता को जाता है जिन्होंने सरकार के निर्देशों का पालन किया, उसका आधा श्रेय मुझे लगता है कि हमारे बंदोबस्तों को जाता है, उसका आधा श्रेय हमारे ग्राम समाज की व्यवस्थाओं को जाता है, हमारे ग्राम समाज के बंदोबस्तों को जाता है, जिसको हमारे पूर्वजों ने 100, 200, 300, 400 वर्षों में खड़ा किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के माध्यम से जो हमारे ग्राम समाज खड़े हुए हैं, उनकी उनकी स्वायत्तता, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके अंदर स्वराज और उनके अंदर जो जो सामूहिकता और उनके अंदर जो लड़ने की जो ताकत है, उसने हमारे यहाँ लोगों को खूब ताकत दी है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसको इसमें से हमको नए उत्तराखंड का और नए भारत का, हो सकता है नई दुनिया का भी रास्ता निकले, ऐसा मेरा अंदाज है या ऐसी ऐसा मेरा मेरी कल्पना है। और ये हम सबके सामूहिक ज्ञान से हो सकता है, हम सबके सामूहिक प्रयास से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसके लिए फिर से हमारे कम्युनिटी रेडियो के साथियों को खूब सलाम देता हूँ और खूब आपको खूब बधाइयाँ देता हूँ और आप सबको खूब अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग अपनी, मैं जानता हूँ आप सब लोग अपनी अपनी जगह अब बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हम सब लोग भी आगे मिल करके काम कर पाएंगे। इसी के साथ सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।